ये गंदा मजाक मैंने किया था। नहीं, ये मेरा कसूर है। सनी, सनी, ए गीला कपड़ा ला। सनी, सनी, बेटे आके खोल। सनी बेटे, सनी, किसने की ये हरकत? हाँ? राजा पे चढ़ने के लिए सनी को किसने कहा था? बोलो। ए, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। अगर मेरे सनी को कुछ हो गया ना, तो मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा ये छोटा भाई तुम्हारी आंखों में इतना खटकता है, तो मैं इसे लेकर चला जाता हूं यहां से। ये घर, ये पाम, ये खेत रखो तुम लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने सनी को लेकर चला जाऊंगा यहां से। चलिए चलिए आके खोल। तो क्या ये सब? बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा ये छोटा भाई हाथी के पैर के नीचे भी आ जाए ना, तो भी नहीं मरने वाला। थोड़ा क्या चीज है? तुम मुफ्त में हमको गालियां क्यों खिलवाएं? यार माफ करना सोम, दरअसल मैं रवि को जांच रहा था। इसके सख्त शरीर में जो एक नाजुक दिल है ना, उसमें हम लोगों के लिए कितना प्यार है वो देख रहा था। प्यार है रवि, बहुत प्यार। पर हम लोगों से रवि को प्यार किधर है? हाँ, मुझे तुम लोगों से प्यार किधर है? तो जा घोड़े के पांव के नीचे घुस, फिर देख मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। चल इधर। मेरा कट्टा कट्टा भाई लड़कियों की तरह रो रहा है। रवि, ऐसा हमें कभी मत बोलना कि तुम हमको छोड़कर चले जाओगे। नहीं जाओगे ना? अरे मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? शरीर कभी आत्मा को छोड़कर जा सकती? तुम तो मेरी आत्मा हो। राम राम लाला। आओ रे बाबू आओ। दस कनस्तर घास लेट, एक बोरी शक्कर, 5 किलो चाय की पत्ती, 2 टीन। रवि 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 एक मिनट, क्या है कि तुम जब तक अपना ये सामान बनवाओ, हम लोग एक जरा चक्कर लगा के। सुन सुन, दारू का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं यार, हम लोग तो सिर्फ दूध पीने जा रहे हैं। चल चल। हाँ लाला, कहा था मैम? हाँ, 10 किलो नमक, 2 किलो लाल मिर्ची, 1 किलो धनिया, 1 किलो जीरा, 1/2 किलो किली मिर्च। किली मिर्च? किली मिर्च क्या होती है? एक काम कर, वो बगल में जो मिल्क बार है ना, वहां से 2 बॉटल दूध ले आ। ले जी दूध। लेकिन साहब, नहीं 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 नहीं, देख जब हम उस बार में जाएंगे ना, तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे। हैं? ले जा 2 बॉटल दूध ले। निप्पल वाले कुछ फरमाया आपने? मैंने कहा बच्चे अगर बोतल मांगे तो निप्पल वाली ही देनी चाहिए, क्योंकि दांत अव्वल तो होते नहीं, हुए तो रहेंगे नहीं। जाने दो यार, ये बच्चे नहीं कच्चे हैं, कच्चे। पहले यार, वरना यहीं पे अपना क्रियाकर्म हो जाएगा। भाई वो 6 हैं और हम 2। दो नहीं, 3। 1, 2, 3। 7 फुट आ गया, अब चूहों से शेर बन जाओ। घास खाने वाले शेर? नहीं नहीं, दूध पीने वाले बछड़े। सार नगर। सांड नगर रास्ते के बीच में खड़ा हो जाए तो चक्रों की चेंचे और पेपे से उसे कोई असर नहीं होगा। सब सालों को रास्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम तो सूरत से सांड नहीं भांड लगते हो। भांड?
मैं सूरत से क्या लगता हूं? भांड। ए, मैंने किससे पूछा? इससे। मैंने इससे पूछा। हाँ साहब, तो मैं सूरत से क्या लगता हूं? सांड को भांड बोल रहे थे, यानी सांड और भांड में कोई फर्क ही नहीं है। अरे भाई, सांड सांड होता है और भांड भांड होता है, यानी जो सांड होता है वो सांड होता है और जो भांड होता है वो भांड होता है। सांड जी, तू दूध पियोगे? खुली की मेड़ खुली की जीत सकता है कौन? क्या कहा बे? लड़कर हमसे जीत सकता है कौन? हमसे नहीं मेरे भाई। अरे शेखर, तुम भाई क्या हालत बना रखी है? एकदम देवदास, बात क्या है? देव भी बनना चाहता था दोस्त, और दास भी, मगर वो नहीं माने। कौन कौन नहीं माने? वही जिसको मैं अपनी जान और ईमान बनाने की भूल कर बैठा। अरे मगर हुआ क्या, कहाँ गई वो? क्या पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे जीवन में दो स्त्रीलिंग थे, एक छोकरी दूसरी नौकरी, दोनों ने मुझे छोड़ दिया। अबे नौकरी तो कोई भी चलेगी, छोकरी वही चाहिए ना। बस तू मुझे उसका नाम आता पता बता दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। अरे क्या है, कौन है आप? मैं कौन हूं बाद में बताऊंगा। अरे ये बताओ, अपने आप को समझती क्या हो? जी क्या समझती हो अपने आप को तुम? कोई आसमान से उतरी हुई परी हो? किसी बादशाह की बेटी हो? किसी रियासत की राजकुमारी हो? क्या हो तुम? मालिक ने जरा सी शक्ल क्या दे दी, तुम्हारा दिमाग तो उछल के चौथे आसमान पे पहुंच गया? क्या हक है तुम्हें किसी इंसान की जिंदगी से खेलने का, उससे मोहब्बत करने का? मैं पूछता हूँ, क्या हक है तुम्हें? जरूर कोई पागल है। ये तो वो बेचारा शरीफ आदमी है, मेरे जैसा कोई होता ना तो मुर्गी की तरह तुम्हारी गर्दन मरोड़ के गर्दन अलग कर देता, धड़ अलग कर देता, समझी? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक तो उसे शराब में डुबो दिया, दिन रात तुम्हारा नाम लेकर रोता रहता है और पूछती किसकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे बचपन का दोस्त शेखर, उसकी बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ? शेखर? हाँ शेखर, जरा जाके देखो तुम्हारे प्यार में तड़प तड़प कर क्या हालत हो गई बेचारे की। साला सड़क से गुजरता तो फकीर लोग भीख दे के आगे चला जाता है। जब भी मुझसे मिलता था कहता था, शीला मेरी जिंदगी है, जब से शीला मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है, शीला शीला शीला, नाक में दम कर देता था। अरे तुम बेवफा खुदगर्ज धोखेबाज, नौकरी क्या चली गई, उसका साथ भी छोड़ दिया। आए? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो, है कोई जवाब मेरी बातों का? जवाब चाहिए? हाँ। अब मैं बोलती हूँ वो सुनो, एक भी लफ्ज बोला ना ये टेबल कुर्सी पलंग सब खींच खींच कर मारूंगी, हालत बिगाड़ दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शीला नहीं हूँ।
और दूसरी बात, मेरा नाम इंदु है, समझे? तो देखिए, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शेखर से मिलके उसे माफी मांगना चाहती हूँ। कहाँ है वो? ये? वो शराब रोड पे हिल में बैठा बार पी रहा है। जी? मेरा मतलब है कि वो हिल रोड में बार में बैठा शराब पी रहा है। थैंक यू। सुनिए सुनिए, ये जो आपकी सहेली अभी इस तरफ से गई ना, ये इनका कमरा कौन सा है? मैं जरा इनसे मिलना चाहता हूँ। इतना जोर का चांटा खाने के बाद भी? इतना जोर का चांटा खाने के बाद ही तो मिलना चाहता हूँ। इस कॉरिडोर में जो आखिरी कमरा है, कमरा नंबर 1 वो उनका है। शुक्रिया। कम इन। सिस्टर। क्या है? तरबूज? ये किसने दिया? नीचे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, उसने दिया है आपके वास्ते, साथ में चिट्ठी भी दी है। अच्छा, तुम जाओ। इस बार शेखर के लिए नहीं, अपने लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से दोस्ती का छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। जिंदगी में लड़की को तोहफा भेजा, और वो भी तरबूज। क्यों, क्या बुराई है? अरे तरबूज खाने से ताकत आती है मालूम? जहाँ दिल की बात है वहाँ ताकत की नहीं, नजाकत की जरूरत है। उसे फूल भेजो, फूल। हाँ? फूल। फूल। नीचे बोला था, दोबारा बोलो। वो तो मैं मजाक कर रहा था, जल्दी नीचे रखो, कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये फूल का चक्कर तो बेकार हो गया, शीला से मिलके कोई और पैंतरा सोचना पड़ेगा।